यकीन मानिए आपको ये टॉपिक बहुत समझ आएगा। आइए मैं कंसेप्ट नंबर एक बार फोर्थ लिखवा दूं। लो बेटे लिखना शुरू करो। कंसेप्ट नंबर फोर, कैलकुलेशन। अब मैं ये बता रहा हूं कि प्रॉफिट प्रायर टू और प्रॉफिट पोस्ट टू की कैलकुलेशंस कैसे करेंगे। बेटे स्टेप नंबर वन लिख लो अभी, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहला काम है आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना चाहिए और ट्रेडिंग अकाउंट 12 महीने का बनेगा, मतलब अप्रैल से लेकर मार्च तक बनेगा, जो भी 12 महीने। और ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। एक बच्चा कहने लगा, मास्टर ये तो बता ट्रेडिंग में आता क्या क्या है। हाँ अभी बताऊंगा, 11वीं क्लास में क्या छोले थे के पास हुए थे, अभी बताऊंगा। फिर भी प्यार है बेटे, सेवा भाव है, बताऊंगा कि ट्रेडिंग अकाउंट निकालते कैसे। स्टेप नंबर टू, कैलकुलेट टाइम रेशो एंड सेल्स रेशो, ठीक है जी। स्टेप वन लिख लो प्लीज, आराम से लिख लो मेरे बेटे। बेटे स्टेप वन ट्रेडिंग अकाउंट, स्टेप टू टाइम रेशियो एंड सेल्स रेशियो, स्टेप थ्री बेटे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो दो हिस्सों में बनेगा। प्री एंड पोस्ट के दो दो कॉलम्स बनेंगे, अभी मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है। अभी आराम से पहले स्टेप थ्री लिख लीजिए, फॉर्मेट की स्लाइड अगली अभी बता रहा हूँ, ठंड रखिए थोड़ा सा, जल्दबाजी ना कीजिए और लिखते रहिए साथ साथ। आप समझदार बच्चे हैं इसलिए लिख रहे हैं। लो बेटे फॉर्मेट लिख लो, पहले फॉर्मेट बेटे ट्रेडिंग अकाउंट का लिख लो, अधि कर दी। ठीक है बेटे, पहले आराम से ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट लिख लीजिए। आप में से कुछ बच्चों ने भी मुझे बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, मैंने ट्रेडिंग अकाउंट आपके सामने बना दिया है। 11वीं क्लास में आपकी मैडम ने बताया था, टू ओपनिंग स्टॉक, टू रॉ मटेरियल परचेस्ड, टू डायरेक्ट लेबर बेटे, टू फैक्ट्री ओवरहेड लिखा है, फैक्ट्री ओवरहेड लिखा है, टू ग्रॉस प्रॉफिट मेरे बेटे, ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स, बाय सेल्स बाय क्लोजिंग स्टॉक बेटे, ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे लिखा है बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर। अब बेटे ट्रेडिंग अकाउंट 12 महीने का बनेगा, मान के चलिए कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। ट्रेडिंग अकाउंट 12 महीने का बनेगा, सेल्स 12 महीने की, क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च को, ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल 2015 को, रॉ मेटेरियल परचेजेस 12 महीने की, वेजेस 12 महीने की, फैक्ट्री ओवरहेड 12 महीने का। तो बेटे ग्रॉस प्रॉफिट भी तो 12 महीने का आएगा, अभी 12 महीने का करेंगे, ठीक है जी। फिर आइए जी टाइम रेशो कैसे निकालेंगे। टाइम पीरियड इन प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड इज टू टाइम पीरियड इन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, टाइम रेशियो निकाल रहे हैं बेटे। टाइम रेशियो क्यों निकालेंगे अभी बताऊंगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि 1 अप्रैल को आपने पेपर्स फाइल किए और 30 जून को आए, तो बेटे 3 महीने तो प्री हो गए और बेटे 9 महीने पोस्ट हो गए, तो बेटे 3 महीने 12 महीने में से 3 महीने तो प्री में चले जाएंगे और बेटे 12 महीने में से 9 महीने पोस्ट में चले जाएंगे, तो बेटे रेशो क्या होगी 3:9।
वन इज टू थ्री, तो वही लिखा बेटे। टाइम रेशो के बाद बेटे सेल्स रेशो लिख लें। सेल्स इन द प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, सेल्स इन प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड इज टू सेल्स इन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। सेल्स रेशो, सेल्स इन प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड इज टू सेल्स इन पोस्ट, मतलब उन 12 महीने की जो सेल हुई थी उसमें 3 महीने का जो सेल था, शुरू के 3 महीने अप्रैल मई और जून, उस सेल को हम कहते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन सेल। मतलब सेल्स इन 3 मंथ्स, मतलब सेल्स इन प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड इज टू सेल्स इन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। बेटे पूरी दुनिया में यही होता है, इसलिए ऐसे कर रहे हैं। अब आपने ये फॉर्मेट अगर लिख लिया हो, ट्रेडिंग अकाउंट का लिख लिया हो, टाइम रेशियो लिख लिया हो, सेल्स रेशियो लिख लिया हो, तो लास्ट आप इस ये प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट लिख लें स्टेप 3 का। बेटे बहुत ही बढ़िया फॉर्मेट है। फॉर्मेट कुछ इस तरह से होगा, मैं वैसे इसको आपको बता दूंगा कि किस तरह से आएगा ये फॉर्मेट, मैं बता रहा हूं बेटे। लो बेटे मैं बना के दिखा देता हूँ, फॉर्मेट लिखो, लिखो बेटे फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटे ये फॉर्मेट आपके सामने बना दिया, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटे ये अभी पहले देख लो मैं कैसे बना रहा हूं। बेटे ये बेटे मैंने एक कॉलम बनाया, ये दूसरा बनाया, ये तीसरा बनाया, आराम से बेटे। ये डेबिट साइड है मान के चलो, और ये क्रेडिट साइड है। यहां लिखा बेटे पर्टिकुलर्स, यहां लिखा बेटे बेसिस, अभी बताऊंगा, यहां लिखा है प्री और यहां लिखा है पोस्ट। बिल्कुल उसी तरह से राइट हैंड साइड में लिख रहे हैं बेटे पर्टिकुलर्स। बेटे यहां लिखा है बेसिस, बेटे यहां पर प्री और बेटे यहां पर पोस्ट। आराम से बेटे, कोई जल्दी तो है ही नहीं। पर्टिकुलर्स बेसिस प्री पोस्ट, पर्टिकुलर्स बेसिस प्री पोस्ट। आराम से बेटे हेडिंग लिख दीजिए फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आप ये बताइए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं, तो मैं यहां लिख रहा हूं ग्रॉस प्रॉफिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि वो ट्रेडिंग अकाउंट से आया होगा। अच्छा एक चीज बताइए मुझे, मैंने अब आपसे ये बात पूछनी है कि ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये कितने महीने का है, ये 3 महीने का है या 9 महीने का या 12 महीने का है? तो बेटे ग्रॉस प्रॉफिट जो है, मैंने कहा सारी फिगर्स आपको 12 महीने की दी जाएंगी। क्यों? क्योंकि ट्रायल बैलेंस ही 12 महीने का बनता है। अच्छा ये बताओ, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि ग्रॉस प्रॉफिट टाइम से रिलेट करता है या सेल्स से रिलेट करता होगा, मतलब अगर आपके पास दो चॉइस हो कि उसको हम टाइम रेशो, क्योंकि ये तो 12 महीने का है, अब मुझे इसका संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद, संधि विच्छेद, संधि विच्छेद, मैं आपसे यही बात पूछ रहा हूं कि अगर मुझे इसका संधि विच्छेद करना है, तो मैं यही बात पूछ रहा हूं कि इसका संधि विच्छेद मुझे करना है कि अप्रैल मई और जून का अलग करना है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च का अलग करना है। तो मुझे 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 टाइम रेशियो से इसका संधि विच्छेद करना चाहिए या सेल्स रेशियो से करना चाहिए? बिल्कुल ठीक पहचाना आपने बेटे, ग्रॉस प्रॉफिट को
हम सेल्स रेशियो से रिलेट करते हैं, क्योंकि बेटे ग्रॉस प्रॉफिट तो सेल्स से रिलेट होता है। बेटे ग्रॉस प्रॉफिट इज रिलेटेड विद सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट इज रिलेटेड विद सेल्स। तो आपको अब ये पहचानना है कि कौन से खर्चे सेल से होते हैं या कौन सी आइटम टाइम से होती है। जैसे मैं आपके सामने रखूं, सैलरीज, वेजेस, एडवर्टाइजमेंट, आपको अलग अलग प्रकार के खर्चे दिए जाएंगे। एडवर्टाइजमेंट, सेल्समैन कमीशन, बैड डेट्स। एक बच्चा कहता है मास्टर तू बेवकूफ है, तू ऐसा क्यों नहीं करता, ये जो खर्चे हैं सैलरीज और वेजेस इनकी जगह फिक्स्ड क्यों नहीं लिख देता, फिक्स्ड एक्सपेंसेस। बिल्कुल लिख सकते हैं मेरे बेटे। और बेटे ये जो तीन है इनकी जगह हम लिख सकते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस। बिल्कुल लिख सकते हैं बेटे। अब आप ये बताइए जी, जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, सैलरीज और वेजेस, हम किस तरह से देते हैं, टाइम के हिसाब से देते हैं। अब ये 12 महीने की हैं, तो हमें किस रेशो से रिलेट करना चाहिए, टाइम रेशो से। और जो खर्चे वेरिएबल हैं, टाइम के हिसाब से नहीं होते, सेल्स के बेसिस में हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट सेल्स से रिलेट करती है, सेल्समैन कमीशन सेल्स से रिलेट करता है, बैड डेट सेल्स से रिलेट करता है, इनको सेल्स रेशो में करना है। एक बच्चे का तो मुंह ही फीका पड़ गया मेरे बेटे, वो कहने लगा ये तो रटना पड़ेगा कि कौन सा टाइम से और कौन सा सेल से, जैसे 2 दिन से खाना ही ना खाया हो। बेवकूफ है वो बच्चा, क्योंकि यहां पे रटना नहीं है। भूपेश आनंद की क्लास में कुछ रटना नहीं है बेटे, लॉजिक है। आज यूट्यूब के जितने मर्जी वीडियो देख लीजिए, इस जैसा वीडियो आपको मिलेगा नहीं दोस्तों, पढ़ाना छोड़ दूंगा। कोई स्लाइड से नहीं करा रहा, मैं ही करा रहा हूँ, कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, कंसेप्ट की पीपीटीज मैंने प्रिपेयर की है, बुक मेरी बेस्ट है। और ये मैं खाली कह रहा हूं इसलिए नहीं, आपको खुद भी पता है, आपके पास बुक है, आप चेक करके देखिए। इसका मतलब कुछ ऐसे खर्चे जो टाइम से रिलेट करते हैं हम टाइम से करेंगे, और जो उससे रिलेट करते हैं उससे करेंगे। बिल्कुल ठीक है बेटा, ठीक है। ठीक है बेटे, तो मैं यहां पर लिख चुका हूं, क्या लिखा था मेरे बेटे, कहां पे चला गया बेटे, क्या चले गए मेरे बेटे। अरे लो बेटे, मैं यहां दोबारा लिखता हूं बेटे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेटिंग प्री स्लैश पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पोस्ट स्लैश प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स। लो बेटे, वो बेटा स्लाइड था मैंने भी बनाई थी, आगे पीछे हो गई बेटे, मेरा ढूंढने में टाइम लगेगा, और मुझे सेवा भाव है आपके अंदर, मेरे को आपके समय की कीमत है, इसलिए मैं यहीं पर दोबारा लिख रहा हूँ बेटे। ये मैंने लिख दिया पर्टिकुलर्स बेटे। ए बेटे नाराज ना होना बेटे, आपके फायदे के लिए तो बेटे सारे वीडियोस में अपलोड करा रहा हूं बेटे यूट्यूब में, नाराज ना होना मेरे बेटे। बेटे मोहब्बत ऐसे नहीं होती, ये मेरा सेवा भाव है ना बेटे, ये लीजिए। यहां पर मैंने लिख दिया बाय बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अब बेटे जिस बेसिस पे होगी उसका बेसिस लिखते जाएंगे, जैसे ये सेल्स रेशो पे होगी तो मैंने बेसिस पे लिख दिया सेल्स रेशो, जितनी भी सेल्स रेशो होगी हम उसके हिसाब से प्री में और पोस्ट में बाइफरकेट कर देंगे। यहां पे लिखिए टू फिक्स्ड
एक्सपेंसेस। बेटे कुछ खर्चे फिक्स्ड इन नेचर के होते हैं, टू फिक्स्ड एक्सपेंसेस, जैसे जैसे सैलरी पे करना, जैसे वेजेस पे करना। और बेटे फिक्स्ड एक्सपेंसेस को हम टाइम रेशियो में करते हैं, तो बेटे टाइम रेशियो में कर देंगे, ठीक है जी। टू वेरिएबल एक्सपेंसेस, या आप सेलिंग एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं। टू वेरिएबल एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस, तो बेटे ये सेल्स रेशियो में होते हैं। तो बेटे यहां पर जितने पहले आएंगे पहले, जितने बाद में आएंगे बाद में। मेरे बेटे बेटे एक चीज मैं बता दूं, शुरू के 3 महीने में पार्टनरशिप फॉर्म थी वो बेटे पार्टनर्स को पार्टनर्स की सैलरी मिलती है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलता है, लेकिन बेटे 9 महीने वो पार्टनरशिप फॉर्म नहीं थी। तो मैं यहां लिख रहा हूं, टू एक्सपेंसेस रिलेटेड टू पार्टनरशिप फॉर्म ओनली, टू एक्सपेंसेस रिलेटेड टू पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म ओनली। बेटे ए बेटे ए मेरे बच्चे, एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव इन प्री। लो बेटे यहां तो लिखेंगे ही नहीं, यहां तो लिखेंगे ही नहीं। टू, अब बेटे आखिरी के जो 9 महीने थे वो डायरेक्टर थे, वो डायरेक्टर को सैलरी मिलती है, और बेटे कंपनी डिबेंचर इंटरेस्ट भी शू करती है, पे करती है। इसका मतलब कुछ ऐसे खर्चे हैं जो हमें विभाजित नहीं करने, जो 9 महीने के लिए ही थे, और इसलिए हम यहां लिख रहे हैं टू एक्सपेंसेस रिलेटेड टू अ कंपनी। कुछ ऐसे खर्चे हैं जो कंपनी से ही रिलेट करते हैं, तो मैं यहां लिख रहा हूं एक्सक्लूसिवली इन पोस्ट, खाली पोस्ट में लिख, बेटे खाली पोस्ट में लिखेंगे मेरे लाल, खाली पोस्ट में लिखेंगे। अब यहां पर जो प्रॉफिट लास्ट में आएगा, ये और ये, बेटे ये बैलेंसिंग फिगर ही तो होगी, हद कर दी। बेटे ये बैलेंसिंग फिगर ही तो होगी, ये जो बैलेंसिंग फिगर होगी और ये जो बैलेंसिंग फिगर होगी, इसका नाम होगा प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, और बेटे इसका नाम होगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। आराम से लिख लो बेटे। कोई जल्दी तो है ही नहीं ना बेटे। प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। तो अब आपको समझ आ गया ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनेगा, टाइम रेशो कैसे निकलेगी, सेल्स रेशो कैसे निकलेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाएंगे और क्यों बनाएंगे। अब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब करेंगे तो एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको कुछ बातों का ज्ञान होना ही चाहिए, तभी आप प्रैक्टिकल कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप एक छोटी सी बात और लिख लें, और फिर हम एक क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, और वो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही बढ़िया होगा। तो आप कंसेप्ट नंबर 5 एक बार लिख लें, ये लीजिए ये लीजिए, या F पॉइंट आ गया लिख लीजिए, उसी कंसेप्ट नंबर 4 चल रहा था, इसी कंसेप्ट नंबर 4 का लास्ट पॉइंट लिख लें, फिर हम आगे चलेंगे। लास्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड। इसमें भले कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो अभी पहले क्वेश्चन में इस्तेमाल ना हो, लेकिन इकट्ठी लिख लेंगे, सारे क्वेश्चनों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात होगी, तो पहले लिख लें। मैं अगली क्लास में बुक का पूरा फॉर्मेट और बताऊंगा, लेकिन मैं आज पहला क्वेश्चन तो जरूर करूंगा, जिससे कि आपको समझ आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं।
मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड. पहली बात लिखी है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो शुड बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ सेल्स. ये प्रभाविक सी बात है, स्वाभाविक बात है, आपको रटनी नहीं है. अगर सेल्स रेशियो नहीं बता तो फिर टाइम रेशियो. अब कुछ खर्चे मैंने लिख दिए इस रेशियो में, वो कुछ भी लिखना है, खाली याद कुछ नहीं करना. अमाउंट ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस सेल्स रेशियो में करते हैं. इफ एनी एक्सपेंस इज नॉट क्लासिफाइड एज सेलिंग एक्सपेंस then such expenses can be divided on the basis of time ratio. मान लेते हैं कुछ सेल्स में नहीं कर सकते तो उनको टाइम रेशियो से करेंगे, जैसे रेंट, जैसे सैलरीज. जैसे एक मूवी आई थी 1942 लव स्टोरी, एक लड़के ने एक लड़की को देखा तो कैसा लगा, जैसे खिलता हुआ गुलाब, जैसे सर्दी की धूप, जैसे गर्मी का एसी. तो बेटे वैसे ही है, जो सेल्स में नहीं होंगी वो टाइम पे होंगी. बेटे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर की जग का मतलब है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस. पहले डी पॉइंट लिख लें, बड़ी मेहनत से बेटे स्लाइड्स बनाई है, किसी की कॉपी पेस्ट नहीं की. आप यूट्यूब के सारे वीडियोस चेक करना और मेरी कंपेयर करना, आप मेरे में नंबर ज्यादा दोगे बेटे. बाकी तो जो बनाई है वो फॉर्मेलिटी से बनी हुई है बेटे. बेटे स्पेलिंग ठीक कर लेना. देन सच एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड डायरेक्टली इन द हेडिंग ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स. डायरेक्टर फीस, जैसे मैंने कहा था कंपनी बनने के बाद ही डायरेक्टर बनते हैं. मिसलेनियस एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ मतलब प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ और एनी अदर सिमिलर एक्सपेंस ऑफ द कंपनी. बेटे जब कंपनी बनती है ना तो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कंपनी सेक्रेटरी, जो आर्टिकल्स होते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, बेटे उस पे जो खर्चा होता है ना वो प्रीलिमिनरी होता है. तो बेटे उसको राइट ऑफ करना होता है ना, ठीक है. मैंने लिखा है जी ई पॉइंट में, इट इज बेटर टू प्रिपेयर अ टाइमलाइन एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. आपको पहले एक टाइमलाइन बनानी चाहिए और फिर क्वेश्चन करना चाहिए. समय की रेखा, मैं समय हूं, मैं समय हूं, मैं चलता ही रहता हूं, तो समय की रेखा बनाइए. बेटे एफ पॉइंट लिख लीजिए, अभी बाद में समझाऊंगा. ठीक है बेटे, बस लिखना नहीं है बेटा, खत्म हो गया. अब आप सभी बच्चे क्या करें, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाए. मैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर वन. आप एक बार खोल लें और चेक करेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है. बेटे आओ आओ मेरे बेटे, मैं बेटा सीधा क्वेश्चन में आ रहा हूं. मैं चाहता हूं बेटे एक क्वेश्चन तो जरूर करा दूं. ये बेटे मैंने फॉन्ट बड़ा कर दिया. ये क्वेश्चन कर रहे हैं बेटे कंसेप्ट नंबर 1-4 तक लिख लिए हैं. वैसे मैंने 1-6 तक के कंसेप्ट्स के यहां लिखे हैं, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन.
और बेटा मैंने हेडिंग लिखी है व्हेन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज गिवन, व्हेन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पूरा लिख ले बेटे, प्रिंटिंग मिस्टेक हैज बीन स्पेसिफाइड, व्हेन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हैज बीन स्पेसिफाइड, जब आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दी जा चुकी हो उसको बोलते हैं बेटे। ये क्वेश्चन करेंगे दिसंबर 2013 में आ गए, मैंने वैसे नीचे आंसर भी लिख दिए लेकिन हम आंसर नहीं देखेंगे, पहले पहले आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। स्टार लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई 2012। कमर सीधी कर ले बेटे, आप बेड पे लेट के लैपटॉप पे देख रहे हैं तो महा बेवकूफ है, और अगर आप कमर झुका के देख रहे हैं तब भी बेवकूफ है। विद्या की देवी तभी आती है जब आपकी कमर सीधी हो। बेटे कमर सीधी कर लें, आराम से टेबल में बैठे और मेरी बातों को सुने। स्टार लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई 2012 टू एक्वायर अ रनिंग बिजनेस, अंडरलाइन कर दीजिए रनिंग बिजनेस, 1 अप्रैल 2012 से पहले का बिजनेस चल रहा है और 1 अप्रैल 2012 में भी चल रहा था, और उसको कंपनी में बनाया गया और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1 जुलाई को मिला, 3 महीने बाद मिला, ठीक है जी। और आपके अकाउंट्स बंद हो रहे हैं 31 मार्च 2013, ठीक है जी। देयर वॉज अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ ₹3 लाख। अब बेटे यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट आपको ऑलरेडी दे दिया है, एग्जामिनर का थैंक यू बोलना चाहिए, बोला थैंक यू बेटे, आपको उसने ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं दी क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। और बेटे जब ग्रॉस प्रॉफिट दिया हो तो फिर तो टेंशन ही नहीं है बेटे, फिर तो सीधा ही आगे चल सकते हैं, ठीक है जी। द सेल्स फॉर द फर्स्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹12 लाख। वो कहता है जी 12 महीने की सेल 12 लाख की है, जिसमें से 2,40,000 की सेल पहले 6 महीने की है। द एक्सपेंसेस डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस इंक्लूडेड, द एक्सपेंसेस डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस इंक्लूडेड। वो कहता है ये कुछ खर्चे हमने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किए हैं, वो ये वाले हैं, डायरेक्टर फीस डेबिट किए हैं, बैड डेट्स डेबिट किए हैं, एडवर्टाइजिंग डेबिट किया है, सैलरी डेबिट किया है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस डेबिट किया है, और डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी किया है। वो कह रहा है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मेड बिफोर एंड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, इसको अंडरलाइन कर दीजिए बिफोर एंड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। बेटे 5 मिनट की बात है, अगर आप ईमानदारी से रजिस्टर खोल लें, कैलकुलेटर खोल लें, और जैसे जैसे मैं वर्किंग नोट बना रहा हूँ बना लें, सवाल कह सकता हूँ आपको 100% समझ आएगा बेटे, आपको फील ही नहीं होगा कि आप यहाँ पर रिकॉर्डेड क्लास में बैठे हैं। आइए मैं आपके सामने भगवान को हाजिर नाजिर रखकर, अल्लाह मियाँ को हाजिर नाजिर रखकर आपके सामने मैं शुरू कर रहा हूं पहला क्वेश्चन, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का। तो पहला क्वेश्चन है जी, मैंने जैसे बताया कि आपको पहले इसमें एक टाइम लाइन जरूर बनानी चाहिए, ये टाइम लाइन है बेटे,